नियमितीकरण की मांग को लेकर रायपुर में हड़ताल में बैठे एनएचएम के दर्जनों संविदा कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि हमारे जगह क्यों ना दूसरे लोगों को भर्ती कर लें, लेकिन नियमितीकरण की मांग जारी रहेगी। आपको बता दें कि राजधानी में एनएचएम के 750 कर्मचारी हैं, जिसमें से 400 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो वहीं कई कर्मचारियों ने हड़ताल छोड़कर फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली है। लोगों ने अभी रायपुर से हम लोग ने इस्तीफा सौंपा है ना, ये हम को काम से क्या निकालेंगे, उनकी बेइज्जती से पहले हमने ने अपना आत्मसम्मान को मानते हुए हमने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। अब जो होगा सबके साथ होगा और सब इस चीज के लिए मनोबल के साथ सब तैयार है, किसी के मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। इन्हीं की सरकार ने हमें दावा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम आपको 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे। हमने 10 दिन ही, हमने 2 साल इंतजार किया, और ये हमारा आक्रोश इसलिए भड़का कि जब हम संविदा कर्मचारी इस COVID-19 महामारी बीमारी में ड्यूटी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसके बावजूद सरकार ने सीधी भर्ती क्यों निकाली। खबर रायपुर से। पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे प्रदेश के 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का लगातार इस्तीफा देने का दौर जारी है। वहीं सरकार ने उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया है। एनएचएम के मिशन संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने प्रदेश के हैं पत्र में संचालक ने इस अनुचित और नियम विरुद्ध बताया है। उन्होंने सीएमएचओ को लिखे सभी सीएमएचओ को पत्र लिखा और पत्र में यह कहा गया है कि हड़ताल में गए कई संविदा स्वास्थ्य कर्मी वापस अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उन्हें सहयोग कर उनकी उपस्थिति स्वीकार करें।